हिंदी बोलने पे पंजाबी को क्यों नहीं मारा जा रहा है, यही हिंदी बोलने पे जो है बंगाली को क्यों नहीं मारा जा रहा है, यही हिंदी बोलने पे आसामी को क्यों नहीं मारा जा रहा है, सुनिए ना पहले पूरा बात सुन लीजिए, यही हिंदी बोलने पे मध्य प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा, यही हिंदी बोलने पे उड़ीसा के लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा, महाराष्ट्र के लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा, गुजरात के लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा हिंदी बोलने पे, हिंदी बोलने पे बिहारियों को क्यों मारा जा रहा है, ये लोग भी तो तमिलनाडु में वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते, ये लोग भी तो हिंदी बोलते हैं। 2024 में चुनाव होने वाला है, चुनाव की तैयारी जो है वो रच दी गई है, बीजेपी के नेता यहाँ पे कहेंगे कि हम बिहारी मजदूरों के साथ हैं, लेकिन वही बीजेपी केंद्र का नेता एक भी ट्वीट नहीं करेंगे कि बिहारी मजदूर के साथ है कि नहीं, मोदी जी भी ट्वीट नहीं किए, नहीं कर मोदी जी ट्वीट कर दे कि बिहार के मजदूर सुरक्षित हैं, हम मान लेंगे कि बिहार के मजदूर सुरक्षित हैं। हरिद्वार के घाट पे जाके देखिए, गंदा गंदा बिहारी को गाली दिया गया, वो गाली अगर यहाँ पे दे देंगे तो बहुत सारे लोग कान बंद करेंगे कि बोलेंगे क्या गया, सुनिए ना, मनीषवा गाली देता है इतना गंदा गंदा, बिहारी बोला गया, ऐसा बोला गया तो सब हुए ना, ऐसा वीडियो है सोशल मीडिया पे जाके देखिए ये बात है कि नहीं, कान बंद करेंगे लेकिन बिहार से बाहर गाली जाके सुनेंगे, बिहार के लोगों को मारिएगा तो पहले अखबार में देखेंगे कि अरे फलनवा का जात कौन सा है, जात देखा जाता है, और उसके बाद जात के हिसाब से खड़े होंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या सच में बिहारियों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है या फिर अफवाह है? तेजस्वी यादव से पूछिए ना, तेजस्वी यादव से पूछिए कि वो अपने सर पे हाथ रख के क्रिया खा के बोले कि सच में पीटा जा रहा है कि नहीं पीटा जा रहा है, अपने आप जवाब मिल जाएगा आपको। तमिलनाडु में जा रहे हैं मुख्यमंत्री के बर्थडे मनाने के लिए, तो उनसे क्या सवाल किया जाए? शिवनंदन तिवारी तेजस्वी यादव के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है, जाके आप देखिए अखबार पढ़ के देखिए, उन्होंने बोला है कि बिहारी मजदूर के साथ गलत हो रहा है। आप एक टोल फ्री नंबर कोई भी जारी कर दे, इसमें से कोई भी सोशल मीडिया पे डाल दे और लिख दे कि तमिलनाडु में मजदूरों को अगर समस्या हो रहा है तो हमें फोन करके देखे, ये खुद फोन करके लगेंगे बताने कि तमिलनाडु में मजदूरों को समस्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई भी अपना डाल के देख ले कि हो रहा है कि नहीं, बिहारी को बिहार में भी समस्या है, बिहार से बाहर भी समस्या है, और उसके लिए तमिलनाडु के लोग दोषी नहीं है, तमिलनाडु के नेता दोषी नहीं है, महाराष्ट्र का राज ठाकरे दोषी नहीं है, उसके लिए बिहार का नेता और बिहार के लोग खुद दोषी है, जो बार बार मार खाने के बावजूद सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, जिस दिन हम लोग सुधर जाएंगे ना उस दिन पूरा बिहार सुधर जाएगा। पहला मामला सामने नहीं आ रहा, इससे पहले गुजरात हो जाए, दिल्ली हो जाए, तमाम राज्यों में बिहारियों को, अरे एक सुनिए, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम एक महीना का तीन घटना आपको बता रहे हैं। पंजाब के एक हॉस्टल में बिहारी छात्र को मारा गया, सोशल मीडिया पे वीडियो है, जाके देख सकते हैं, कोई नेता उसके लिए आवाज नहीं उठाया। 15 दिन पहले हरिद्वार के घाट पे जो है बिहारी लोगों को मारा गया, हरिद्वार के घाट पे जाके देखिए, गंदा गंदा बिहारी को गाली दिया गया, वो गाली अगर यहाँ पे दे देंगे तो बहुत सारे लोग कान बंद करेंगे कि बोलेंगे क्या गया, सुनिए ना, मनीषवा गाली देता है इतना गंदा गंदा, बिहारी बोला गया, ऐसा बोला गया तो सब हुए ना, ऐसा वीडियो है सोशल मीडिया पे जाके देखिए ये बात है कि नहीं, कान बंद करेंगे लेकिन बिहार से बाहर गाली जाके सुनेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनीषवा वही बात बता देगा तो मनीषवा देखिए ना वीडियो में गाली दे रहा है, इतना गंदा गंदा गाली दिया गया हरिद्वार में, बताइए उसके लिए हरिद्वार के लोग दोषी तो नहीं है, नहीं बिहार के लोग, उसके लिए बिहार का और बिहार के नेता दोषी है कि हम क्यों नहीं सुधारने का। तीन महीना, एक महीना में तीन घटना, पंजाब स्टूडेंट मार खाए, हरिद्वार पंडित जी लोग मार खाए, पंडित जी लोग जो पूजा कराते थे, और सुनिए सुनिए, पंजाब स्टूडेंट मार खाए, हरिद्वार पंडित जी लोग जो पूजा कराते थे वो मार खाए, और तमिलनाडु मजदूर मार खाए, यानी सब मार खा रहे हैं, ऊपर से नीचे मार खा रहे हैं, जवान से बूढ़ा मार खा रहा है, सब मार खा रहे हैं, क्यों नहीं आप लोग आवाज उठा रहे हैं? अच्छा अगर देखा जाए तमिलनाडु के जो तमाम जो एक्टर हैं उन लोगों को फिल्म को बिहारी लोग काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और वहां पर सिर्फ हिंदी बोल दिया जा रहा है तो वहां पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, हथियार से वार किया जा रहा है। अरे यार ऐसा घटना नहीं है, यही चीजें हिंदी बोलने पे पंजाबी को क्यों नहीं मारा जा रहा है, यही हिंदी बोलने पे जो है बंगाली को क्यों नहीं मारा जा रहा है, यही हिंदी बोलने पे आसामी को क्यों नहीं मारा जा रहा, सुनिए ना पहले पूरा बात सुन लीजिए, यही हिंदी बोलने पे मध्य प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा, यही हिंदी बोलने पे उड़ीसा के लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा, महाराष्ट्र के लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा, गुजरात के लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा हिंदी बोलने पे, हिंदी बोलने पे बिहारियों को क्यों मारा जा रहा है, ये लोग भी तो तमिलनाडु में वहां का लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते, ये लोग भी तो हिंदी बोलते हैं। अरे देखिए मुद्दा को डाइवर्ट नहीं करना है, सच्चाई ये है कि बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश ये तीन राज्य के लोग ही मार खा रहे हैं वहां पे, बाकी कोई दूसरा नहीं मार खा रहा है। अगर सुनिए पंजाब के किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा के देखिए, पंजाब का सरकार चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, पंजाब का सुपरस्टार कलाकार, किसान आंदोलन में पंजाब का कलाकार कूद गया था कि नहीं, किसानों के साथ खड़ा हो गया था कि नहीं, हुआ था कि नहीं, पंजाब का सब लोग खड़े हो जाएंगे, इसलिए आज पंजाबी सुरक्षित है, पहले सुन लीजिए पूरा बात, इसलिए पंजाबी सुरक्षित है। महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति को मार के दिखाइए, महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष का नेता, महाराष्ट्र का कलाकार, महाराष्ट्र का बुद्धिजीवी सब खड़े हो जाएंगे, एमपी के लोगों को मार के दिखाइए सब लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन बिहार के लोगों को मारिएगा तो पहले अखबार में देखेंगे कि अरे फलनवा का जात कौन सा है, जात देखा जाता है।
और उसके बाद जात के हिसाब से खड़े होंगे। हाँ। छपरा में दो जाति आपस में लड़े। हाँ। तीन लोगों की मौत हुई। कितने लोगों की? तीन लोगों की मौत हुई। तीन लोगों की मौत हुई। पूरे बिहार में जातीय समीकरण किया गया, राजपूत वर्सेज यादव किया गया कि नहीं? किया गया। कटिहार में राजपूत भूमिहार। हाँ। और यादव वर्सेज किया गया कि नहीं? किया गया। पटना में आज से 10 दिन पहले पार्किंग विवाद में 5 लोगों की हत्या हुई, क्यों नहीं आवाज उठाया गया? क्यों नहीं? इसी पटना में, अरे इस पटना में हुआ है 10 दिन पहले 5 लोगों की हत्या पार्किंग विवाद में। हाँ। और गोली चला, 50 राउंड से ऊपर फायरिंग चला। अब जरा बताइए, देश के सारे मीडिया चैनलों पे, अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फ्रंट में आया, ब्रेकिंग न्यूज में आया कि बिहार की राजधानी पटना में हुआ फायरिंग, 50 राउंड से ज्यादा चली गोली, 5 लोगों की मौत। कोई कंपनी कैसे आएगा कि राजधानी में जो है 50-50 राउंड जो है फायरिंग चल रहा है और 5 लोगों की मौत हो जा रही है? कैसे अडानी आएगा, कैसे अंबानी आएगा, कैसे टाटा आएगा, कैसे बिरला आएगा, कैसे इंफोसिस आएगा, कैसे विप्रो आएगा, कैसे TCS आएगा, कैसे महिंद्रा आएगा, टेक महिंद्रा आएगा, कैसे माइक्रोसॉफ्ट आएगा, कैसे अमेजोन आएगा, कैसे फ्लिपकार्ट आएगा? आधा कंपनी का तो नामों नेता सब नहीं जानता होगा, नाम भी पता नहीं, नहीं जानता होगा। हाँ। ये है सच्चाई। अच्छा। और इन सब चीजों पे हम लोगों को चर्चा करना। हाँ। होगा, और जिस दिन इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे ना, उस दिन हमारा बिहार बदल जाएगा। अच्छा, जब बिहार के लोग जाते हैं रोजगार के लिए तो वहाँ उनको पीटा जाता है, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि आप भी कहीं जाएंगे तो आप भी अटैक किया जाएगा तमिलनाडु के द्वारा? फौजी के बेटा है भाई। हाँ। 12 साल हमारे बाबूजी कश्मीर में रहल बान। कई साल? 12 साल। इतिहास उठा के देख लिया लगे। हाँ। और 10 साल नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है? यानी कि मनीष कश्यप नहीं डरेंगे तमिलनाडु में जाके? आप भी नहीं डरिएगा। हाँ। आप हिजड़ा थोड़ी है? नहीं। आप हिजड़ा है क्या? नहीं है। नहीं है ना? हाँ। तो आपको क्या डर लगेगा? हाँ। अगर आप मर्द है। हाँ। और मर्द के रूप में मर्द पैदा किए हैं, मर्द पैदा हुए हैं, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। और मर्द के रूप में मौगा है, मर्द के रूप में हिजड़ा है, तो आपको डर लगना चाहिए। और हिजड़ा मतलब ट्रांसजेंडर मत समझिएगा, वो लोगों को सम्मान देना चाहिए। ट्रांसजेंडर को हिजड़ा नहीं कहते हम उन्हें कहते हैं जो अपना स्वाभिमान ईमान गिरवी रख देते हैं, उन्हें हिजड़ा कहते हैं। तो अगर आप भी मरते हैं तो आपको भी डर नहीं लगना चाहिए। और बिहार में जितने मीडिया वाले हैं, फ्लाइट है कल 2:30 बजे का फ्लाइट है, आए टिकट कटा के जो है आए तमिलनाडु में देखे, यानी कि सारे लोगों को मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। अच्छा ये बताइए कि बिहार के जो मजदूर है अब बिहार मतलब आ रहे हैं, और ऐसे में बिहार सरकार कुछ टीमों को भेजा है वहां पे जांच करने के लिए, आपको लगता है कि जल्द ही मामला पता चल जाएगा ये क्या है? बिहार सरकार गरीबी का भी जांच करा रहा है ना पिछले 18 साल से। जांच रिपोर्ट क्या आया? बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके लिए भी जांच टीम है कि नहीं बिहार में? हाँ। रिपोर्ट क्या सबमिट हुआ? देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका सरकार उसका रिपोर्ट। हाँ। सरकार जो कहेगा वही रिपोर्ट सबमिट होगा। हाँ। सरकार, अच्छा एक बात बताइए, इससे बड़ा ना हंगामा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत वाला केस में? हाँ, हुआ था। यहाँ से पुलिस वाले गए थे, बड़े बड़े नेता गए थे, बड़े बड़े अधिकारी गए थे, वहां पे गए थे कि नहीं गए थे? रिपोर्ट में क्या सबमिट हुआ? सुशांत सिंह राजपूत का हत्या किसने किया है? अरे बिहार पुलिस सबमिट तो करे कि आत्महत्या है कि हत्या है, आज तक सबमिट नहीं किया। चुनाव था 2020 में, उस हिसाब से जो है रिपोर्ट हुआ और उसके बाद से खत्म। हाँ। तो ये सच्चाई है। हाँ। कि 2024 में चुनाव होने वाला है, सॉरी उस समय 2020 में चुनाव था। हाँ। इस समय 2024 में चुनाव होने वाला है, चुनाव की तैयारी जो है वो रच दी गई है। बीजेपी के नेता यहाँ पे कहेंगे कि हम बिहारी मजदूरों के साथ हैं। हाँ। लेकिन वही बीजेपी केंद्र का नेता एक भी ट्वीट नहीं करेंगे। हाँ। कि बिहारी मजदूर के साथ है कि नहीं। मोदी जी भी ट्वीट नहीं किया, नहीं कर, मोदी जी ट्वीट कर दे कि बिहार के मजदूर सुरक्षित है, हम मान लेंगे कि बिहार के मजदूर सुरक्षित है। हाँ। गुजरात के लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ रहता तो मोदी जी अडानी का प्लेन, सुनिए ना, मोदी जी अडानी का प्लेन पकड़ के जो है, या अंबानी का प्लेन पकड़ के, या एयर इंडिया का प्लेन पकड़ के, या एयरफोर्स का प्लेन पकड़ के अभी तक गुजरात चले गए होते, चलेगा होते। हाँ। सच्चाई ये है कि हम लोग जो है ना, इतना महान भूमि पे पैदा होने के बावजूद जो है हम लोग अपने ताकत को भूल गए हैं। और जिस दिन बिहारियों को उनके ताकत का एहसास हो जाएगा, हर बिहारी हनुमान बन जाएगा। जय हिंद।